मोहसिन रशीद टॉक। देखिए, हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स समिट, ये पहला समिट है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए किया गया है कि कैसे उन लोगों को प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हमने काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस किए कि कैसे लोग को फॉलो करते हुए वो अपनी न्यूज़ कवरेज करें, उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने के सेशंस दिए, जिसमें हमने फेक न्यूज़ बस्टिंग का सेशन दिया, हमने कंटेंट मैनेजमेंट का सेक्शन दिया, कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशंस के सेशंस दिए। तो उससे इन लोगों को प्रोफेशनली इस चीज़ को आगे बढ़ाने में फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो ये है कि हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स को, ई मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आम जर्नलिस्ट वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में हमने काम शुरू किया है रेमा बना के, राजस्थान ई मीडिया एसोसिएशन। तो हम रेमा के थ्रू ये चाहते हैं कि हम जो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनको भी आम जर्नलिस्ट जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएँ, उनके भी लाइव कवर हो, उनको भी दूसरी फैसिलिटीज़ मिले। तो उसके मुतालिक भी स्टेट्स की बॉडीज़ बना के हम ऑल इंडिया ई मीडिया फेडरेशन बनाएंगे जो इंडिया लेवल पर काम करेगी। तो इनके हकूक़ के लिए दूसरी बात, इसका मकसद ये था कि जो फेक न्यूज़ के ज़रिए, जो डिसमैनेजमेंट के ज़रिए नफ़रत फैलाई जा रही है, जहरों दिलों में जहर घोला जा रहा है, हम उसको ख़त्म करें। हम उसको ख़त्म करके सही न्यूज़ पहुंचाएं लोगों तक, जिससे मोहब्बत फैले। तो हमारी कोशिश ये है कि जिस भारत को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था, उसको नाथूराम गोडसे के नाम से नहीं जाना जाए। हम चाहते हैं कि नफ़रत के माहौल ख़त्म हो, फेक न्यूज़ पे एक स्टॉप लगे और सही बात लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिससे मोहब्बत का माहौल हो। तो जो भी गलत काम करता है, हम उसके ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाएं और ऐसी चीज़ों को रोकें जिससे भारत को तोड़ा जा रहा है। हम भारत को सात रंगों वाला भारत करें, एक ही रंग में भारत को रंगने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको नाकाम करें। तो जर्नलिस्ट के लिए, ई मीडिया जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप रही, एक बहुत ही अच्छा समिट रहा। हम नेक्स्ट जयपुर में, दिल्ली में, सब जगह प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। पूरे इंडिया से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, पूरे इंडिया से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, काफ़ी जगहों से, केरला से, सब जगह से जर्नलिस्ट आए, ई मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, हैंडल्स आए, 2 मिलियन से लेके 1 लाख तक के चैनल्स आए। तो बहुत बड़ी बात थी, अच्छा रेस्पॉन्स रहा और लोगों को बहुत पसंद आया। नेक्स्ट में हमें इससे भी बेहतर उम्मीद रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। इंशाल्लाह। जी सर, कैसे आप मतलब एक कितने सब्सक्राइबर कुछ किया था या आम ऐसे ही? देखिए, अभी हमारा टारगेट ये था, इस चीज़ की शुरुआत हमने 3 साल पहले की थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समिट को प्लान जो हमने 3 साल पहले शुरू करना किया था, लेकिन कोरोना और इन सब की वजह से, गाइडलाइंस की वजह से हम इसमें लेट हो गए। हमारी प्लानिंग ये है, हम सब्सक्राइबर बेस पे नहीं जाते। हमारा मकसद ये है कि अगर एक सब्सक्राइबर वाले चेंज से भी इस भारत को मजबूत करने में मदद मिलती है तो हम उसकी भी कदर करते हैं। बात ये नहीं है कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, बात ये है कि आपका काम कैसा है, कितना कंसिस्टेंट आपका काम है। हमारे लिए जो मैटर करता है वो कंसिस्टेंसी है। हमारे लिए सब्सक्राइबर बेस, वो आपको पता है कि एक मान लीजिए मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर मैं नाच गानों की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और मान लीजिए किसी के 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसका मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, लेकिन उसके वीडियो से एक रीजन में चेंज आ रहा है, चाहे उसके शहर में चेंज आ रहा हो, वहाँ पर मोहब्बत बढ़ रही हो, नफ़रत घट रही हो, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो क्राइटेरिया अच्छा काम है, ना कि फिगर्स। आम लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको अफीम की तरह फर्जी न्यूज़, डिस इंफॉर्मेशन का नशा करा रही हैं, आपके बच्चों के जहन में जहर घोल रही हैं। हमारी आज की आप देखेंगे तो इंडिया हैप्पीनेस के इंडेक्स में लास्ट प्लेटफॉर्म पे आती जा रही है, 140 के नीचे है। हंगर इंडेक्स में हम नीचे हैं, किसी भी इंडेक्स में हम ऊपर नहीं हैं, हम अफगानिस्तान के करीब आते जा रहे हैं। तो आप सोचिए, उसके बावजूद लोगों को लग रहा है कि हम खुश हैं, सिर्फ इसलिए कि एक कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा है। तो हम उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि जहर, नशा जो होता है वो एक दिन में आपको बर्बाद नहीं करता, आप धीरे धीरे उसके आदी बनते हैं, और जब आपको पता चलता है, आपकी फैमिली को पता चलता है कि आप बर्बाद हो गए, तब आपके समझ में आता है कि ये जहर हमें कब दिया गया था। अभी बुल्ली भाई ऐप का मामला हुआ, एक 17 साल की बच्ची एक अपने ही किस्म की औरतों की नीलामी करवा रही है, ये जहर किसने घोल दिया? ये जहर डिस इंफॉर्मेशन ने घोला है, ये जहर जो सोशल मीडिया पे, जो व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस भेजे जा रहे हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, ये आतंकवादी होता है, ये देशद्रोही होता है, कौन सर्टिफिकेट है ये देने वाला? लेकिन आपके बच्चों में जहर घोला जा रहा है और आपके बच्चों को इस जहर से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो हमारा मैसेज ये है कि डिस इंफॉर्मेशन के चक्कर में मत आइए,
हर न्यूज़ को वेरीफाई कीजिए कि आपको जो दिखाया जा रहा है कि एक मुसलमान किसी को मार रहा है तो क्या वाकई में मुसलमान है, ये चीज़ें मालूमात करिए, आप ख़ुद फैक्ट चेकिंग कीजिए और उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाइए ताकि नफरत नहीं मोहब्बत फैले। देखिए कश्मीर फाइल्स, वो कश्मीर फाइल्स मूवी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स को किसी भी एजेंसी ने या किसी भी प्लेटफॉर्म ने ये नहीं कहा कि ये फैक्चुअली 100% करेक्ट मूवी है। एक दंगा, जो मान लीजिए दंगा हुआ, मैं मेरी सहानुभूति है, मेरी फीलिंग्स हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, अगर किसी को घर से निकाला गया बहुत बुरी बात है, मैं खुद कंडेम करता हूँ, मैं उन लोगों की ज़रा भी इज्जत नहीं करता, मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से जो किसी भी आदमी को, पंडित को, रेगर को, किसी दलित को, किसी मीणा को, गुजर को अपने घर से निकालें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, मैं नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से। एक चीज़ जो घटना हुई आज से कई साल पहले, उसको आप दिखा के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरना चाहते हैं। आपको पता है कि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था या इंडिया? आपको पता है कि उसमें कश्मीरी इन्वॉल्व थे या मिलिटेंट्स? कौन थे, कौन दे रहा है इस बात का सर्टिफिकेट? अगर हम दंगों पे मूवीज़ बना के और लोगों की भावनाओं को और भड़काने का काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गुजरात दंगे हैं, भागलपुर है, कितनी चीज़ें हैं जो आप दिखाएंगे। 92 बाबरी मस्जिद पे आप मूवी बनाएंगे कि एक कम्युनिटी की आस्था को तोड़ दिया गया दूसरी कम्युनिटी की आस्था की बात करके। तो मैं ये चाहता हूँ जो चीज़ें हो गई, आज मैं बार बार आपसे कहे जाऊँ, मेरे वालिद वालदा नहीं है, आप मुझसे बार बार कहे जाएँ आपके वालिद वालदा का इंतकाल हो गया, आपके वालिद वालदा का इंतकाल हो, मैं उन चीज़ों को भूलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार मुझे याद दिलाएं कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो हम एक दूसरे को आसानी की तरफ पहुँचाएँ। ये कश्मीरी पंडितों के साथ हमदर्दी नहीं है, ये उनके ज़ख्म को कुरेदना है, जिस चीज़ को वो भूल चुके हैं बार बार आप पिन करके याद दिला रहे हो, जिस चीज़ से वो ओवरकम कर चुके हैं, भूल गए हैं मैं नहीं कहूँगा, ओवरकम कर चुके हैं। उनके साथ एक हादसा हुआ 1947 में भी यही हुआ, तो क्या हम बार बार कहेंगे कि 1947 में तुम्हारे बाप को मार दिया, तुम्हारी माँ को मार दिया? मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, दंगों में, बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ नफरत का माहौल होता है। ये कश्मीर फाइल्स जो है, आप लिख के रिकॉर्ड इसको रखिएगा सबूत के तौर पे, कश्मीर फाइल्स एक दंगे की शुरुआत है। जिस तरीके से बीजेपी थिएटर बुक करके लोगों को फ्री में दिखा रही है, वो दंगे की अफीम, दंगे का नशा परोस रहे हैं और वो आने वाली नस्ल को दंगाई बनाने के लिए और जेल में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज इन बच्चों के माँ बाप को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कश्मीर फाइल्स देख के एक 28-30 साल का लड़का खड़ा होकर कहता है थिएटर में कि मुसलमानों की लड़कियों से शादी करो, इनकी नस्ल को ख़त्म करो, इनको बर्बाद कर दो, और उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो अगर मैं कुछ बोलूँगा आप यहीं से मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे, UAPA लगा देंगे, लेकिन एक आदमी मूवी बना के दिखा रहा है, एक पार्टी फ्री में उस मूवी को दिखा रही है और उसके बाद, उसको देखने के बाद एक आदमी जिंदाबाद का नारा, जय श्री राम का नारा लगा के कह रहा है कि मुसलमानों की लड़कियों से शादी करो, इनकी नस्ल को ख़त्म कर दो, ये बढ़ना नहीं चाहिए, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये दंगे की शुरुआत ही, ये प्लॉटिंग है एक दंगे का, एक दंगा अचानक से नहीं हो जाता, उसके पीछे ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। बाबरी मस्जिद को यूं ही शहीद नहीं कर दिया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस था। तो हम अगर आज भी खामोश रहे, हम अगर आज भी इस पे हमने रिएक्ट नहीं कहा, नहीं किया, तो समझ लीजिए कि एक अगला दंगा तैयार है और इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके बच्चों को दंगाई और मुजरिम बनाना चाहते हैं, ये जिनको बनाना चाहते हैं, जिनको जेल भेजना चाहते हैं, जिनसे मर्डर करवाना चाहते हैं, जिनसे दंगा करवाना चाहते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, वो बच्चे हिंदू ही हैं जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। आप समझिए कि ये आपके जहन में नफरत घोल रहे हैं, ये आपकी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमान की नस्ल को बर्बाद नहीं कर रहे। हम तो इन चीज़ों से समझ के ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, हम तो और बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बर्बाद कर रहे हैं ये हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से सीख के और मजबूत हो रहा है।